अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में आपको इनड्राइव की 7 घंटे की अर्निंग और बचत दिखाने जा रहा हूँ। और ना सिर्फ आपको अर्निंग और बचत दिखाऊंगा बल्कि साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि लोकेशन कौन सी है, टाइमिंग्स क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपने कम टाइम में ज्यादा पैसे किस तरह से कमाने। अब मैं चल के आपको अर्निंग दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक खुशखबरी है। अगर आपने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, ताकि वो खुशखबरी आपके लिए भी बन जाए। मैं बहुत जल्द येंगो को रोस्ट करने वाला हूँ। येंगो के ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो आने वाली है, मतलब कि येंगो जिस जलालत का हकदार है वो जलालत उसको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप लोगों ने खूब इंजॉय करना है उस वीडियो को, और बहुत ही मजे की वीडियो होने वाली है येंगो के ऊपर, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर में तकरीबन येंगो के हेटर्स ही भरे हुए, और मैं खुद भी भाई येंगो के खिलाफ ही हूँ, और वो आपको उस वीडियो के अंदर पता चलेगा। अभी जो है वो वीडियो नहीं बन सकती, कुछ मसले हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन या हफ्ता, लेकिन बहुत जल्द आपको वो वीडियो मिलने वाली है। और एक चीज और, एक बोनस भी है कि आपको इनड्राइव और येंगो की जो अर्निंग का कंपैरिजन है उसका एक ऐसा ग्राफ देने वाला हूं, एक ऐसी जबरदस्त वीडियो उसके ऊपर बनाने वाला हूं कि आपको सारी चीजें खुलकर क्लियर समझ आ जाएंगी और कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। और ऐसा स्टेटिक्स, ऐसा ग्राफ आपको पहले नहीं मिला होगा। एक एक चीज उसके अंदर आपको मैं क्लियर बताने वाला हूं और आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। तो एक वीडियो अर्निंग की कंपैरिजन के ऊपर भी आने वाली है। अब मैं आपको आज की इनड्राइव की अर्निंग दिखा देता हूँ। 7 घंटे का काम कब से कब तक किया, जो भी वो सारा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपको साइड पे स्क्रीन शो रही होगी, यहाँ या यहाँ पर, तो आपके सामने ये देखिए इनड्राइव का पेज खुला हुआ है। यहाँ पे हम लोग अगर 3 डॉट पे जाएं तो आप देख सकते हैं मेरी आईडी बनी हुई है, और ये 753 राइड है 5 स्टार। भाई के 5 स्टार है भाई, 5 स्टार, ये इनके ऐप का ग्लिच आ जाता है। वैसे 4.92 4.93 ऐसी रेटिंग है मेरी, और ये 5 पॉइंट अचानक से कभी कभी दे देता है और दिल खुश कर देता है। तो खैर 5 ही समझ लें, 4.92 4.93 5 ही समझ लें यार उसको। अब यहां से देखें भाई, ये माई इनकम में जाते हैं नीचे, और यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पे जाते हैं। अब ये अर्निंग जो आपको आई थी ना सामने 2019, ये एक्चुअल अर्निंग नहीं है, ये सारी कमीशन वमीशन इनके कटने के बाद होती है, और जो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिले वो तो अलग होते हैं ना। अब देखें ये 29 अक्टूबर की आपके सामने बुकिंग्स आ रही हैं। कितनी बुकिंग्स लगाई हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बुकिंग्स हमने लगाई है 7 घंटे के अंदर। सबसे पहली बुकिंग हमारी कब की है, 11:30 की पहली बुकिंग हमने उठाई है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारी लास्ट बुकिंग जो है वो है 5:29 की, ये स्टार्ट है, और एंड तकरीबन ये 1 घंटे में हुई थी, क्योंकि ये 550 रुपए तक की राइड थी, 533 रुपए की राइड थी, 550 रुपए मिले थे, तो ये 1 घंटे का सफर था, तो 1 घंटे में खत्म हुई थी। तो मतलब 6:30 बजे, तो 11:30 से 6:30 तक 7 घंटे हमने काम किया है। और ऐसा नहीं कि बस गधे घोड़ों की तरह काम ही किया है, इसके बीच में हमने खाना भी खाया। खाना खाने के अलावा चाय पीने के लिए होटल पे बैठे हैं, तो वहां पे तो फिर मैं बैठ ही गया और फिर चलाता रहा मोबाइल, तो उसमें भी काफी टाइम जाया हुआ। मतलब बीच में आप ये समझ लें कि 1 घंटा तो आप खाने पीने के उसमें निकाल दो, वो तो हमारा जाया हुआ है, बाकी जो है हमने काम किया इसके अंदर। और ये बुकिंग्स लगाई है, इसके अंदर आपको डिलीवरी की बुकिंग्स मिलेंगी, ऊपर डिलीवरी है, फिर दूसरी डिलीवरी, तीसरी डिलीवरी, चौथी डिलीवरी, और 4 डिलीवरी की बुकिंग लगाई है हमने इसके अंदर, ठीक है। तो भाई आज का टोटल जो अमाउंट बनी है, टोटल अमाउंट वो बनी थी 2300 रुपए, ठीक है, 7 घंटे के अंदर, जिसके अंदर खाना पीना वगैरह भी हमने किया है, 2300 रुपए की अमाउंट बनी थी, और उसके अंदर से 260 रुपए का इनका कमीशन कटा था। और 260 इस वजह से कटा था क्योंकि कुछ अमाउंट रिफंड पे भी गई हुई है, यानी कि जो राइड कैंसिल हुई है, ये देखें आपको दिख रहा होगा 5:11 PM पे एक राइड कैंसिल हुई है, तो ये भी जो है वो रिफंड पे गई हुई है, इसके पैसे भी अभी वापस मिलेंगे मुझे। तो इस तरह 260 रुपए का कमीशन कट गया, और इसके अंदर 500 का पेट्रोल लग गया। अब हम जरा कैलकुलेटर खोलते हैं, तो भाई 2300 रुपए की अमाउंट है, इसके अंदर से हमने माइनस किया 260 रुपए का कमीशन, और इसके साथ फिर हमने ये भी माइनस किया 500 रुपए का पेट्रोल, तो आपके सामने क्या आ रहा है, 1540 रुपए। तो ये हमारी आज की बचत है 7 घंटे की।
ठीक है। अब आप इसके अंदर जो अपने हिसाब से खाना पीना करते हैं, जो भी करते हैं, वो आप और लगा लें, और जो बचेंगे पैसे तो वो हमारी टोटल बचत निकली है। और बहुत से लोग तो खाना पीना घर पे जाके करते हैं, ज्यादातर लोग मैंने देखा है जो घर पे जाके खाना पीना करते हैं। तो ये अमाउंट हमारे सामने आई है 1540 रुपए की, ठीक है, 7 घंटे की। अब भाई ये अमाउंट कैसे बन गई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ये जितनी भी बुकिंग्स आप देख रहे हैं ना, तो ये ऐसे एरियाज की बुकिंग है जहां पे ट्रैफिक नहीं होती। मिसाल के तौर पे कोई बीच में एक आध कोई ऐसी आ जाएगी, जैसे ये गुरु मंदिर चौरंगी की आ रही है, यहाँ पे ट्रैफिक होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी जितनी भी बुकिंग्स हैं, ये लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी हो गया, इसके साथ हम लोग नीचे देखें ये आगा खान हॉस्पिटल की, तो इस तरफ की काफी राइड है मैंने उठाई है आज, तो ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर ट्रैफिक नहीं होती, रनिंग चलती रहती है। या जौहर हो गया, गुलशन हो गया, नॉर्थ नाजमाबाद हो गया, तो इस एरिया की बुकिंग में लगाता हूँ। इन एरियाज के अंदर सदर की तरफ नहीं जाता, पूरा जाम होता है, जहां पे पिकअप ड्रॉप ऑफ में इतना टाइम लग जाता है वहां पे कि आपकी यहाँ पे एक राइड पूरी हो जाए। तो सदर हो गया, जोड़िया बाजार हो गया, साइड एरिया हो गए, लांडी कोरंगी वगैरह ऐसे इलाके, यहाँ पे नहीं जाता मैं, बल्कि गुलशन, जौहर, तारिक रोड वगैरह, शारे फैसल वाली जो एरियाज हैं जो कि तारिक रोड से बैक पे लगते हैं, नर्सरी वगैरह वाले वहां पे, तो नॉर्थ नाजमाबाद, यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे हमें ट्रैफिक नहीं मिलती, और जल्दी जल्दी राइडें भी मिलती रहती हैं, अच्छे पैसों में राइडें मिलती रहती है। क्योंकि अगर आप कोरंगी चले गए, सदर या जोड़िया चले गए, वहां से निकलने के चक्कर में आप कम पैसों वाली राइड उठा लोगे और आपका नुकसान हो जाएगा। जबकि आप इन रनिंग एरियाज में रहोगे और आपका काम अच्छा चल रहा होगा, तो आप अच्छे अच्छे रेट वाली राइड उठाओ। और मैं जो है कम से कम पिकअप मिला के, ऐसा नहीं कि पिकअप हटा के, पिकअप भी निकला के, अगर पिकअप 2 किलोमीटर का है तो मैं 2 किलोमीटर वो भी मिलाऊंगा, अगर 1 किलोमीटर का है तो वो भी मिलाऊंगा। तो पिकअप के मिला के और जो डेस्टिनेशन तक बंदा जाएगा, मिसाल के तौर पे पिकअप 1 किलोमीटर का है, राइड 10 किलोमीटर की है, तो मैं 11 किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगाऊंगा। और मैं जो है कम से कम 20 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से राइड उठाता हूँ, और उसके अंदर कमीशन के पैसे अलग होते हैं, यानी कि 11 किलोमीटर के 220 रुपए हो गए, और फिर 240 रुपए, 20 रुपए कमीशन के अलग से भी लगाऊंगा मैं, तो 240 रुपए ऑफर करूंगा, ये कम से कम है। और ज्यादा से ज्यादा फिर मैं 30 रुपए पर किलोमीटर तक जाता हूँ, और जो कोरियर की राइड्स होती हैं वो तो मैं उठाता ही 30 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हूँ। तो इस तरह से ये अच्छी बचत आप भी निकाल सकते हैं, और भाई कस्टमर देता है पैसे, मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, और भी बहुत से लोग अच्छे पैसों में कमा रहे हैं, और शापर जो है वो तो उठा के ले जाते हैं, वो तो 10 रुपए किलोमीटर भी पड़ेगा उनको तो उठा के ले जाएंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कमा रहे हैं भाई, इस पैसा देता है कस्टमर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देता। ये येंगो वेंगो नहीं है कि यहाँ पे जो भी मिला उठा के ले जाओ, ऐसा नहीं होता। इन ड्राइव एक अच्छी सर्विस है, तो आप इस तरह से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये मेरी 7 घंटे की अर्निंग और बचत थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ताकि आप लोग भी कमा सकें और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।